गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पुदीने की चटनी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में पुदीना खाना बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभप्रद होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं पुदीने की चटनी। और पुदीने की चटनी किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसके लिए वीडियो को पूरा बस ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं पुदीने की चटनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है पुदीना, और यहाँ पर लिए हैं हमने कच्चे आम, और यहाँ पर लिया है धनिया, और कुछ लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुदीने की चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले मिर्ची के जो डंठल होते हैं वो तोड़ लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिर्ची के डंठल तोड़ने के बाद अब हम छील लेते हैं केरियों को, जो कच्चे आम होते हैं उनको हम छील लेते हैं। तो ये देखिए, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम छिलनी से इस प्रकार से कच्ची केरियों को, जो कच्चे आम होते हैं उनको छील लेंगे। और इसके बाद हम जो पुदीना और हरा धनिया है उसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मिर्ची के डंठल तोड़ लिए हैं और केरियों को जो है छील लिया है। तो अब हम इनको छीलने के बाद जो है ये धनिया और जो पुदीना है इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। जो मोटे मोटे डंठल हैं, जो इसके पत्ते पत्ते हैं, वो तोड़ लेंगे इस प्रकार से, और डंठल हैं उसको जो है फेंक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से हम ये जो पुदीना है इसके पत्तों को तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पुदीना के पत्ते अच्छे से तोड़ लिए हैं, इनमें बिल्कुल भी डंठल नहीं है। और अब हम इस धनिया को भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, धनिया को साफ़ करने के बाद ये जो मिर्ची हैं इनको हम अच्छे से दो तीन भागों में काट लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम मिर्ची को छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे तो उससे जो है पीसने में आसानी होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची काटने के बाद ये जो कच्चे केरी हैं, जो आम हैं, इनको हम इस प्रकार से छील लेंगे, यानी गुठली के ऊपर जो गूदा होता है उसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हम जो है इस गूदे को निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आम, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया अच्छे से काट लिया है। और अब हम ये जो लहसुन है इसको भी छील लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लहसुन छील ली है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लहसुन छील ली है, और अब हम इस मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, चटनी बनाते समय अब हम इसमें एक चम्मच जीरा भी डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चटनी पीसकर तैयार है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डाल देते हैं इसमें स्वादानुसार नमक। तो फ्रेंड्स, आप नमक पीसते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बाद में डाला है। तो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चटनी को एक दूसरे टिफिन में निकाल लिया है, और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार है। और फ्रेंड्स, ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में पुदीने की चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभदायक होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। और इस चटनी को बनाने में किसी प्रकार का झंझट नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से चटनी बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।